ई पाठशाला 5.0 दिनांक 13 अगस्त को आप सभी का स्वागत है। आज दिन है शुक्रवार। कक्षा एक में दूरदर्शन पर आज कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं होगा और कक्षा दो में भी कोई कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होना है। ई पाठशाला गतिविधि कक्षा एक और दो के लिए समान है। आज है स्टापू का खेल, काखा गाघा, अक्षरों के साथ वस्तुओं को आकर्षित रंग देना। लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे 1 से 10 तक गिनती जान पाएंगे और बच्चे काखा गाघाड़ा अक्षरों को पहचान पाएंगे। WLE में एपिसोड 67 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को वीडियो दिखाया। स्टापू का खेल बच्चों को खेलना पसंद है। 1 से 10 तक गिनती गिनते हुए स्टापू का खेल खिलाया। प्रेरणा साथी की मदद से मोहल्ला पाठशाला का संचालन किया, उनका होमवर्क चेक किया। बच्चों को क ख ग घ ड अक्षरों से बने शब्दों के चित्र दिखाना व उनमें चित्र में रंग भरने के लिए कहा। होमवर्क में बच्चे क ख ग घ ड कॉपी में लिखेंगे और ग्रुप में वर्क भेजेंगे। आगामी कार्य योजना में मौखिक रूप से अपने सबसे प्रिय दोस्त का वर्णन करने का वीडियो का लिंक प्रेषित करना है। रिवीजन की तैयारी करनी है, सैटरडे क्विज की तैयारी करना है। शिक्षक का स्व आकलन है, बच्चे रुचि ले रहे हैं। कक्षा 3 में आज दूरदर्शन पर कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होना है। कक्षा 4 में हिंदी में हाँ में हाँ का प्रसारण दूरदर्शन पर होगा। ई पाठशाला वर्क है कि हिंदी में सरल वाक्यों को पढ़ना। लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे सरल वाक्यों को पढ़ना जानते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, बच्चों को वीडियो की लिंक भेजना, रीड अलोंग ऐप पर प्रैक्टिस कराना, मोहल्ला पाठशाला का संचालन और तैयार वर्कशीट से वाक्य पढ़वाना, होमवर्क चेक करना, मात्राओं का रिवीजन करवाना। होमवर्क में बच्चे घर पर सरल वाक्य पढ़ने का अभ्यास करेंगे और ग्रुप पर उन वाक्यों को लिखकर भेजेंगे। आगामी कार्य योजना में गणित में 2 अंकों के घटाव हेतु वर्कशीट तैयार करना, रिवीजन करवाना, सैटरडे क्विज की तैयारी करना और शिक्षक का स्व आकलन है। कुछ बच्चों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, उनके साथ अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। आज 13/8/2021 को कक्षा 5 में जो लर्निंग आउटकम व चयनित पार्ट है, यानी कि ई पाठशाला वर्क, वो है हिंदी में चित्र का वर्णन। इसका लर्निंग आउटकम है, सभी बच्चे चित्र को देखकर चित्र के बारे में बता पाएंगे और लिख पाएंगे। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 67 अंग्रेजी के सभी एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। और गणित में दूरदर्शन पर दशमलव और जोड़ घटाना का और EVS में मेरा परिवार मेरी प्रेरणा का प्रसारण होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में WhatsApp पर वीडियो का लिंक भेजा जाएगा। प्रेरणा साथी का ग्रुप पर लिंक भेजा, पालतू पशु का चित्र दिखाया, चित्र वर्णन करने के कुछ बिंदु बताया और उन बिंदुओं के आधार पर चित्र का वर्णन मौखिक पूछा। होमवर्क में चित्र का वर्णन लिखकर ग्रुप पर भेजेंगे। आगामी कार्य योजना है कि गणित में 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा के लिए तैयारी करनी है और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन है कि बच्चे रुचि लेकर चित्र देखकर लिखना समझ रहे हैं। तो ये था कक्षा 5 का। कक्षा 6 में दूरदर्शन पर विज्ञान में पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन और इंग्लिश में गुलिवर्स इन लिलीपुट का प्रसारण होगा। ई पाठशाला गतिविधि है कि अंग्रेजी में लेसन 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे स्वतंत्रता दिवस का महत्व समझ पाएंगे, स्वतंत्रता दिवस को पाने में हुए संघर्ष को समझेंगे। WLE में एपिसोड 67 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियों का विवरण देखें तो दीक्षा ऐप पर वीडियो दिखाना, गृह कार्य की जांच करना, मोहल्ला पाठशाला का संचालन, ग्रुप्स पर वीडियो का लिंक भेजना, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं समझाना, बच्चों में उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछना, बच्चों को झंडे का महत्व समझाना और राष्ट्रगान रिकॉर्ड करने भेजने के लिए कहा गया। जो आजकल लिंक हम लोग को मिल रही है कि राष्ट्रगान रिकॉर्ड करके भेजना है, वह लिंक दी गई। होमवर्क में स्वतंत्रता दिवस का महत्व बच्चे घर पर लिख कर लाएंगे और ग्रुप पर काम भेजेंगे। आगामी कार्य योजना में गणित में ज्यामिति अवधारणाएं की कार्य योजना तैयार करना, सैटरडे क्विज की तैयारी करना। शिक्षक का स्व आकलन है, बच्चे सीख रहे हैं और बच्चों में उत्साह है। कक्षा 7 में दूरदर्शन पर इंग्लिश में अ गुड सिटीजन का प्रसारण होगा। ई पाठशाला गतिविधि है, अंग्रेजी में लेसन 6 अ गुड सिटीजन। लर्निंग आउटकम है, एक अच्छे नागरिक के गुण व कर्तव्य समझ पाएंगे। WLE में एपिसोड 67 शिक्षण क्रियाविधि में दीक्षा ऐप पर वीडियो दिखाना, गृह कार्य की जांच करना, WhatsApp पर वीडियो का लिंक भेजना, एक अच्छे नागरिक के क्या गुण होते हैं और इससे बच्चों के पूर्व ज्ञान को भी परखा, उनसे प्रश्न पूछें,
उन्हें अच्छे नागरिक के गुण बताएं और कर्तव्य भी बताएं। होमवर्क में अच्छे नागरिकों के क्या गुण होते हैं सभी बच्चे लिखेंगे और ग्रुप पर काम करके भेजेंगे। आगामी कार्य योजना में गणित में रचनाओं की कार्य योजना तैयार करना है। शिक्षक सैटरडे को इसकी तैयारी करेंगे और उनका स्व आकलन है कि बच्चे सीख रहे हैं। कक्षा 8 में दूरदर्शन पर इंग्लिश में द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और हिंदी में भक्ति के पद का प्रसारण होगा। ई पाठशाला गतिविधि में अंग्रेजी में लेसन 6 ऑसम असम, इसका लर्निंग आउटकम होगा बच्चे भारत के राज्य जानते हैं, असम की संस्कृति वेशभूषा नृत्य आदि के बारे में भी जानते हैं। एपिसोड 67 WLE में शिक्षण गतिविधि में दीक्षा ऐप पर वीडियो दिखाना, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक भेजना, बच्चों का होमवर्क चेक करना, असम को भारत के नक्शे पर दिखाना, असम के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, असम की संस्कृति क्या है ये बताना, प्रेरणा साथी की मदद से मोहल्ला कक्षा का संचालन करना, होमवर्क में असम का प्रमुख नृत्य कौन सा है, असम की भाषा कौन सी है ये बच्चे बताएंगे। आगामी कार्य योजना में गणित में संख्याओं का खेल की कार्य योजना तैयार करना और सैटरडे को इसकी तैयारी करना। इसका स्व आकलन है कि बच्चे पाठ को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं। तो ये था आज का डेली डायरी। कल फिर मिलूँगी डेली डायरी में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।